Assalamu alaikum. My name is Tajim Hussain Rather. I am working in Husseini Public High School. आज हमारा जो टॉपिक है वो है 10th क्लास में जो सब्जेक्ट है एक पोइम है दैट्स प्रेयर. हम उसको आज पढ़ेंगे. प्रेयर जो पोइम है वो जीए महजूर ने लिखी है इन कश्मीरी बट ट्रांसलेटेड फ्रॉम कश्मीरी बाय प्रोफेसर जी आर मलिक. ये जो पोइम है ये ओरिजिनल में ओरिजिनली लिखी है महजूर ने जो एक अजीम शायर रह चुके हैं कश्मीर के और इसकी जो ट्रांसलेशन है वो आपके सिलेबस में है और इसका नाम है प्रेयर. अब हम इस पोइम को पढ़ेंगे. पहले मैं बताता चलूं पहले जो पोइम है इसमें हम शायर जो है इसके जो ओरिजिनल शायर है महजूर उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे. बायोग्राफी उसको बोलते हैं जो किसी के बारे में लिखी जाए एंड ऑटोबायोग्राफी उसको बोलते हैं जो हम अपने बारे में लिखेंगे. तो पहले हम बायोग्राफी पढ़ेंगे जीएम महजूर की. पीरजादा गुलाम अहमद महजूर पॉपुलरली नोन एज शायरी कश्मीर द पोइट ऑफ कश्मीर वॉज बॉर्न एट मिट्रीगाम. पीरजादा गुलाम अहमद महजूर जो पॉपुलरली नोन एज शायरी कश्मीर जिसको हम अजीम शायर कहते हैं कश्मीर का वॉज बॉर्न एन मिट्रीगाम. कहां पैदा हुए? मिट्रीगाम में पुलवामा में ऑन 1st August 1887. ही इज कंसिडर्ड हेरॉल्ड ऑफ डिडैक्टिक पोएट्री इन कश्मीर लैंग्वेज. वो एक अजीम शायर थे. वो शायर थे जिन्होंने एक नई रूह कश्मीरी जो लैंग्वेज में कश्मीरी पोइम उसमें फोंक दी. ही वॉज द फर्स्ट पोइट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज टू इनकॉर्पोरेट थीम्स क्लोजर टू लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एज. ये पहले शायर थे जिन्होंने कश्मीरी पोइम्स को इस तरीके से लिखा जो क्लोज टच करते थे जिंदगी और वक्त के साथ. येट हिज लिरिक्स हैव द मैजिकल अपील एज दोज ऑफ हबा खातून. उनमें एक खासियत भी है जो महजूर साहब ने जो पोइम्स लिखी है इसके अलावा भी उनमें एक मैजिकल जो था मैजिकल अपील थी एक रूहानी एक जादुई अपील थी सेम जैसे हबा खातून के कलाम जो हबा खातून की पोइम्स है उनमें पाई जाती है. हिज पोएट्री इज एम्बलम ऑफ नेशनलिज्म. ही स्टैंड्स एज अ टावरिंग फिगर फॉर ऑफ ट्रेडिशनल कश्मीरी पोएट्री फ्रॉम ओल्ड टू न्यू. वो एक खास पहचान बनाई उन्होंने नेशनलिज्म में क्योंकि उनका जो कद है वो अजीम शायरों में पाया जाता है जिन्होंने कश्मीरी पोएट्री को ओल्ड टू न्यू एक नया अंदाज दिया. महजूर इज द फर्स्ट एंड द ओनली पोएट टिल नाउ ऑन होम ए फुल लेंथ मूवी वॉज मेड. महजूर वाहिद शायर थे कश्मीरी शायरों में जिनके ऊपर एक पूरी फिल्म बन गई. Thus he happens to be the only poet of Kashmir to have risen to the heights of legend in his lifetime. अपने वक्त के वो सबसे अजीम जिनको हम शायर कश्मीर भी बोलते हैं माने जाते थे. तो this was all about the biography of Mahjur. Now we are moving towards the theme of the poem. कि मकसद क्या है पोइम का जो इस पिंक कलर के बॉक्स में दी गई है. The poem is addressed to God. पोइम जो है ये एक दुआ है जो अल्लाह ताला के सामने ये जो दुआ गो है. द पोइट मेक्स सर्टेन विशेस बिफोर द ऑलमाइटी. जो पोइट है जो इसको लिखने वाला है इसने बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला के सामने रखी. ही इम्प्लोर्स हिम टू लेड हिम टू द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड पावर ऑन हिम द नेक्टर ऑफ नॉलेज. इसने अल्लाह ताला से दुआ की कि उसको सच्चाई और नॉलेज सच्चाई और नेक्टर ऑफ नॉलेज उस पर नॉलेज बरसाए यानी नॉलेज हासिल करे. ही रिक्वेस्ट हिम टू सेव हिम फ्रॉम स्लॉथ एंड इनफर्मिटी. उसने रिक्वेस्ट की वो दुआ करता है अल्लाह ताला से कि ए खुदा मुझे लेजीनेस वीकनेस अनविलिंगनेस उन चीजों से बचाओ. बीइंग ए फर्म बिलीवर इन गॉड. महजूर एक पुख्ता अल्लाह ताला के बंदे थे. द पॉइंट आस्क्स हिज लॉर्ड टू ऑलवेज कीप हिम अंडर हिज अम्ब्रेज एंड प्रोटेक्शन. ये हमेशा चाहता है कि अल्लाह ताला उनको अपने प्रोटेक्शन में अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे. द पॉइंट डज नॉट बॉदर इफ पीपल बेटर और अबैंडन हिम बट ही कैन नॉट बियर एनी काइंड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज लॉर्ड. पॉइंट
ये डज नॉट मैटर कि लोग इससे दूर हो जाए, लोग इसको दूर करें, लोग इनकी बातें न माने, लेकिन वो ये बर्दाश्त कर सकता है कि लोग उसे दूर है, लेकिन अपने अल्लाह ताला से दूर, अपनी अल्लाह ताला की नाराजगी पॉइंट बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम आप पॉइंट पे आते हैं। तो हमने पहले बायोग्राफी पढ़ी, उसके बाद जो क्रैक्स मेन थीम था पोइम का वो भी हमने पढ़ी। अब हम पोइम पे आते हैं। अब पोइम जो हमेशा, या पोइम आपने देखा होगा कि बच्चे ज्यादातर इस पोइम को पढ़ते हैं, एक दुआ है जो सब सभी करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रुथ। ए खुदा, ए अल्लाह, आप मेरी उम्मीद हो, आप मेरा भरोसा हो। व्हाइट बोल रहा है कि आप मेरी उम्मीद हो, मैं किस पे उम्मीद रखूं, सिर्फ आप पे। एंड ट्रस्ट और भरोसा, लेड मी टू द वे ऑफ ट्रुथ, मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाओ। हाउ लॉन्ग शैल आई डेवलप इग्नोरेंस ओवर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज। कब तक मैं इग्नोरेंस, कब तक मैं इग्नोरेंस में रहूं, कब तक मैं एक ही जगह पर, कब तक मैं उन चीजों में रहूं जिससे समाज, जिससे मेरी रूह पाक ना हो, कब तक मैं पर्टिकुलर वे पे एक तरीके से कुछ नहीं कर पाऊंगा। फॉर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज, मुझ पे आप नॉलेज बरसाओ, मुझे नॉलेज अता करो, मुझे अलिम अता करो। लैंड लैंड एयर टू माई वेलिंग एंड प्लीज क्योर मी ऑफ इल्स एंड पेन। मेरी दुआ कबूल करो। पॉइंट अल्लाह तला से मुखातिब होता है, अल्लाह मेरे दर्द, मेरा दर्द, मेरी पेन, इनको ठीक करो। बी काइंड ईच मोमेंट टू मी, हमेशा मेरे साथ ऐसे रहो, लेट मी नेवर फील इन वांट, ताकि मुझे ख्वाहिश कभी ना हो। यानी मुझे आप मेरी सारी दुआएं कबूल फरमा। सेव मी फ्रॉम स्लॉथ इन्फर्मिटी एंड डाउट, मुझे स्लॉथ इन्फर्मिटी एंड डाउट, शक। यहां पर आपकी जो मीनिंग है इन वर्ड्स की वो दी गई है, तो आप इनको भी कंसल्ट कर सकते हो अगर आपने नहीं सुना होगा। मुझे आप इन चीजों से बचाओ, किन किन चीजों से? स्लॉथ, स्लॉथ यहां पर मीनिंग दी गई है अनविलिंगनेस टू वर्क और मेक एनी एफर्ट, यानी अनविलिंगनेस, मैं नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। स्लॉथ इन्फर्मिटी एंड डाउट, शक और वीकनेस, कमजोरी से, मुझे इन चीजों से अल्लाह दूर रख। सरचार्ज माई हार्ट विथ पैशन, मेरे दिल को भर दो पैशन, जेस्ट एंड होप, ईगरनेस से, उम्मीद से, इन चीजों से मेरे दिल को भर दो, तो ताकि मैं ह्यूमैनिटी, ताकि मैं अपने आप को प्योर कर पाऊं, ताकि मैं लोगों के काम आऊं। लेट मी नॉट एवर चैट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, मुझे वो उन चीजों से दूर रखो कि मेरी जो पोइम्स हो, मेरे जो कलाम है, इनसे लोग जो है वो सो जाए। इट डज नॉट मीन द सो जाए, इट मीन जिससे सोसाइटी को, जिससे समाज को फायदा ना हो। लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इन टू द डेट, मुझे उन गीतों, इन पोइम्स वो अलम अता कर जिससे एक मरे हुए में जान आ जाए, एक बेकार आदमी में एक काम करने का हौसला आ जाए, एक ना उम्मीद आदमी में एक उम्मीद जग जाए। लेट मी सिंग ऑफ दैट विच इंस्पायर्स पीपल विथ लव, मुझे वो अलम अता करो जो मैं जब भी पोइम्स में उनको इस्तेमाल करूं तो लोग जो है इंस्पायर्स पीपल विथ लव, वो प्यार बांटे, प्यार हासिल करें, वो प्यार प्यार पाए, प्यार दें, न कि नफरत। एंड कॉजेस ऑल बिटरनेस एंड हॉट टू वैनिश, और सारी नफरतें जो है, सारी तलखी जो है वो खत्म हो जाए, वैनिश, खत्म होना। यू ब्रॉट मी टू ब्लूम विद द अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज, आप मुझे बहार, मौसम बहार में जो वो ब्लूम खिलते हैं, अर्लीस्ट वर्नल ब्रीज, हैप्पीनेस, वर्नल ब्रीज यहां पर इस्तेमाल किया गया है, एक खुशी जो महसूस होती है मौसम बहार में, वो वर्नल ब्रीज रिलेटिंग हैप्पीनेस इन स्प्रिंग, जो हम स्प्रिंग में मौसमी बहार में जो है वो ठंडी आती है, वो इंसान को खुश हो जाता है इंसान, तो वही पोइट ने यहाँ अप्लाई किया है वर्नल ब्रीज। लेट नॉट द बर्निंग हीट ऑफ समर विथ मी ग्रे, अल्लाह मुझे उस बर्निंग हीट वाला जो समर में, वो विदर मी ग्रे, जो एक ग्रे कलर का, वो ग्रे कलर बन जाता है, सूख जाता है, वो अलम अता न कर। लाइक ड्यू, ए अल्लाह
शबनम के कतरे की तरह, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, कब तक मैं, शबनम का कतरा जो एक किसी पेड़ पे किसी ग्रास पे रहता है तो उसकी जब लाइट पड़ती है वो चमक उठता है, यही बोलता है कि मुझे उतना बर्दाश्त नहीं है, अब मेरी दुआ कबूल फरमा, कब तक मैं रहूं। Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn, मुझे जगाओ जैसे फूल जगते हैं सुबह सुबह जब आप आसमान जब सूरज की पहली किरण आप भेजते हो जमीन पर, तो उस वक्त वो सारा कुछ जो फूल जो फ्लावर्स है खिल जाते हैं, मुझे उन्हीं की तरह भी रखो। In form I am man, same as in Kashmiri, in form I am man, शक्ली छुस इंसान, like that. In form I am man, शक्ल से मैं इंसान हूं, in substance from humanity, लेकिन अपने करने से अपनी अपनी इस बिहेवियर से अपनी इस ना तजुर्बगी से मैं इंसान से बहुत दूर हूं। Subject me not to trails, shame not my human form, अब मुझ पे आप और आजमाइश मत डालो, और मेरी जो ये इंसान की शक्ल है ये इसको शेम मत होने दो, शक्ली छुस इंसान मगर शक्ली निश्मत मन छातम, लाइक दैट इन कश्मीरी आपने भी सुना होगा। Forsaken by man am I and so they call me महजूर, मैं भी तो इंसान ही हूं, मैं भी इंसान की शक्ल में हूं, इसीलिए वो सारे जो है मुझे महजूर कहते हैं। People may desert me, लोग मुझे दूर भगा सकते हैं, abandon कर सकते हैं, thus but you don't abandon me Lord, लेकिन ऐ अल्लाह आप मुझे अपने से दूर मत करना, आप अपने मुझे रहमतों से दूर मत करना। Translated from Kashmiri by Professor G. R. Mill. So this was all about the poem prayer, ये जो poem है ये सारी एक दुआ है जो एक बंदा जो है जो poet है अल्लाह ताला से दुआ करता है कि मुझे नॉलेज दो, मुझे वो चीजें करने के दो जिससे दुनिया में आपस में समाज में प्यार बटे, जिससे समाज में कुछ अच्छा हो जाए, यानी अननेसेसरी वो चीजें ये नहीं अपॉइंट नहीं करना चाहता है जिसकी वजह से नफरत फैले या कुछ और हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोइम प्रेयर, होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। एंड नाउ अगर इसका जो स्टडी मटेरियल है समरी या सेंट्रल एरिया जो है या कुछ और, तो इसके लिए आप विजिट करेंगे हुसैनी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पे। तो इसके बाद मिलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ओके, थैंक यू।